हेलो स्टूडेंट, चयन सर्वे की आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट जिसे हिंदी में हम खसका के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑफसेट चयन सर्वे के अंदर क्या होते हैं और ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑफसेट और ऑफसेट के प्रकार को समझने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम कुछ ड्रॉ किए हुए हैं। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि जब किसी फील्ड में हम चयन सर्वे करते हैं तो ऑफसेट किसे कहते हैं और ऑफसेट हमारे कितने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे ऑफसेट के बारे में। अगर हम बात करें ऑफसेट की, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑफसेट के बारे में। आप देख रहे हैं यहां पर कोई ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो ब्लू लाइन है, ये हमारा कोई एक ए पॉइंट है। यानी ए पॉइंट है किसी फील्ड में हम जब चयन सर्वे करने गए तो उस सर्वे करते टाइम हमने सर्वे स्टार्ट किया है ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट से हमने चयन लाइन, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कंटिन्यू लाइन, फिर आपको ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहे हैं, फिर कंटिन्यू लाइन, फिर ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहे हैं, तीन तीन जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी क्या लाइन, ये हमारी सर्वे लाइन का साइन है। आप ये कह सकते हैं चयन लाइन, यानी कि चयन का मतलब जब हम सर्वे करते हैं, जब चयन सर्वे हम कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, जरीब का, यानी चयन का यूज करेंगे। तो यहाँ से इस लाइन का मतलब ये है कि चयन हमने बिंदु ए से इस तरफ हमने डाल रखी है फील्ड के अंदर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चैन लाइन के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बिल्डिंग का साइन आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी चैन लाइन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो ब्लू लाइन है वो हमारी क्या है, ये ब्लू लाइन हमारी क्या है, चैन लाइन है। चैन लाइन को हिंदी में क्या कहेंगे, हम जरीब रेखा कहेंगे। तो जो चैन लाइन है, इस चैन लाइन के चलते हुए हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि इसके जब हमारी डायरेक्शन किस तरफ है सर्वे करने की, हमारी डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम ये कहेंगे चैन लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या, एक बिल्डिंग आई यहाँ पर। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बिल्डिंग की जानकारी आप जुटाना चाहते हैं, यानी हम जब चैन सर्वे कर रहे हैं तो हम क्या करें, डिटेल्ड नक्शा यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं, यानी उस फील्ड में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, बिल्डिंग कहाँ है, नाला है या कुआं है, तो वो उसकी स्थिति हमारी चैन लाइन से किस ओर है, कितनी है, तो वो हम दिखाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने चैन लाइन यहाँ पर स्टार्ट की, जब हमने चैन सर्वे किया, तो इसके लेफ्ट साइड में हमें बिल्डिंग देखने को मिली और हम ये जानना चाहते हैं कि बिल्डिंग इस चैन लाइन से कितनी दूरी पर स्थित है। तो अब यहां पर देखें हम क्या करेंगे, चैन लाइन से लेटरल पार्श्व डायरेक्शन, पार्श्व का मतलब क्या होता है हिंदी में, साइड में। तो चैन लाइन से हम क्या करेंगे, एक साइड में यहां से हम ऑफसेट निकाल देते हैं। यानी ऑफसेट क्या है, आप ऐसे समझें, अभी आप ऑफसेट इसको आप ये समझें कि यहां से हमने क्या किया, ये दूरी मेजर करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये जो दूरी मेजर कर रहे हैं, यानी चैन लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट के, यानी हमारा क्या है, चैन लाइन से लेफ्ट डायरेक्शन में उपस्थित कोई भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की हम दूरी पता करना चाहते हैं। इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, ऑफसेट के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के तौर पर समझाता हूँ कि चैन लाइन पर, यहाँ पर आप इस तरीके समझ सकते हैं कि चैन लाइन यानी जरीब रेखा के लेफ्ट या राइट में स्थित। यानी मैंने अभी आपको बताया ये जो दूरी यहां पर अभी हमने बताई, यही दूरी हमारी क्या है, खसका काम करती है। अब इसको हम डेफिनेशन के तौर पे कैसे कह सकते हैं कि चैन लाइन यानी जरीब रेखा के लेफ्ट या राइट में, यानी चैन लाइन के लेफ्ट में भी हो या राइट में भी कोई भी वस्तु है, तो चैन लाइन के लेफ्ट या राइट, ध्यान से समझेंगे ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेफ्ट या राइट यानी कि दाएं या बाएं। देखें जरा यहां पर क्या सेंटेंस बना हमारा, चैन लाइन के लेफ्ट या राइट यानी दाईं ओर या बाईं ओर स्थित वस्तु। अब कौन कौन सी वस्तु हमारी हो सकती है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती है, नाला हो सकता है, नदी हो सकती है, रेलवे लाइन हो सकती है, कोई भी वस्तु यानी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट आदि यानी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं की स्थिति यानी उसकी पोजीशन, यानी हमारी चैन लाइन से उसकी कितनी दूरी है, चैन लाइन से उसकी पोजीशन क्या है, तो उसकी पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चैन लाइन से लेटरल मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसके साइड में। लेटरल मेजरमेंट का मतलब क्या है हिंदी में, पार्श्व दूरी का मापन करते हैं। अब पार्श्व दूरी का मतलब और क्या, आप क्या समझ सकते हैं कि साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी चैन लाइन से हम क्या करेंगे, साइड में चलते हैं, तो चैन लाइन से साइड में हम डिस्टेंस मेजर करना, तो वो जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, ऑफसेट कहलाती है, खसका कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि के लिए चैन लाइन से लेटरल, चैन लाइन से क्या करते हैं हम, लेटरल मेजरमेंट, लेटरल मेजरमेंट। अब लेटरल मेजरमेंट का मतलब क्या है, इसको हिंदी में आप क्या लिखेंगे, पार्श्व दूरी। अब पार्श्व दूरी का मतलब मैंने क्या बताया, साइड डिस्टेंस,
साइड डिस्टेंस यानी हम क्या करें पार्श्व दूरी मापी जाती है जिसे और उसी दूरी को यानी उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं ऑफसेट के नाम से जानते हैं। ये तो बात हमारी समझ में आई कि ऑफसेट होते क्या हैं। यानी अब आप देखें यहाँ पर मैंने इस डायग्राम हर एक बार देखेंगे कि यहाँ से हमारा कोई चैन सर्वे स्टार्ट किया हमने, चैन सर्वे हमने चैन लाइन डाल दी यानी जरी यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फैला दी, हमने देखा कि चैन लाइन के यहाँ पर कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जानकारी हम नक्शे में दिखाना चाहते हैं तो हमने क्या किया चैन लाइन के लेफ्ट में राइट में कोई भी उपस्थित हो सकता है तो अब हमने इसकी डिस्टेंस मेजर कर ली। तो ये जो डिस्टेंस मेजर की है ये हमारी क्या है ऑफसेट कहलाती है। अब यहां पर हम समझेंगे ऑफसेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अब ऑफसेट के अगर प्रकार की बात करें तो ऑफसेट का डिवाइडेशन यानी क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेंथ के अकॉर्डिंग यानी कि हमारे जो लंबाई के अनुसार जो हमारा ऑफसेट क्लासिफिकेशन है, दूसरा हमारा एंगल के अकॉर्डिंग यानी कि कोण के आधार पर यानी कि दिशाओं के आधार पर चैन लाइन से उसकी दिशा क्या है उसका एंगल कितना है उसके आधार पर करते हैं। तो अगर हम बात करें लेंथ के आधार पर यानी लंबाई के आधार पर अगर हम ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा लॉन्ग ऑफसेट और दूसरा हमारा शॉर्ट ऑफसेट। अब लॉन्ग ऑफसेट क्या होते हैं शॉर्ट ऑफसेट क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन कि अब हम दिशा के आधार पर या फिर हम बात करें एंगल यानी कोणों के आधार पर यानी चैन लाइन से कितने डिग्री पर हम ऑफसेट डाल रहे हैं तो उसके आधार पर भी हमारे दो प्रकार के ऑफसेट होते हैं, एक हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट यानी जिसे हिंदी में हम लंबवत खसके कहते हैं, दूसरा हमारा ऑब्लिक ऑफसेट जिसे हिंदी में हम तिरछे खसके नाम से जानते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ऑफसेट को मैंने दो तरीके से क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कोण के आधार पर और अकॉर्डिंग टू लेंथ यानी कि लंबाई के आधार पर। अब हमारे अकॉर्डिंग टू एंगल हमारे दो प्रकार के हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री वाले, ठीक है 90 डिग्री वाले, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट जैसे हिंदी में लंबवत खसका और ऑब्लिक ऑफसेट जैसे हम तिरछे खसके यानी 90 डिग्री से कम हो या ज़्यादा एंगल हो। अब यहाँ पर हम बात करें लेंथ के आधार पर दो, एक तो हमारे लंबा खसका यानी लॉन्ग ऑफसेट, एक शॉर्ट ऑफसेट जैसे हिंदी हम छोटे खसके के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ऑफसेट जब हम डाल रहे हैं तो हम इस डायग्राम से की मदद से समझेंगे अभी हम, तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कि परपेंडिकुलर ऑफसेट कौन से होते हैं। तो अब आप देखें परपेंडिकुलर ऑफसेट, आप फिर दोबारा से इसी पॉइंट पर आप आ जाइए इसी डायग्राम से फिर दोबारा समझते हैं कि परपेंडिकुलर ऑफसेट कौन से होते हैं। तो देखें जब हमारी कोई चैन लाइन चल रही है और चैन लाइन से हमने क्या किया चैन लाइन से हमने क्या किया कि 90 डिग्री पर इस पॉइंट से चैन लाइन के इस पॉइंट से हमने क्या किया यानी ये हमारा कोई पॉइंट है पी, हमने P पॉइंट से 90 डिग्री पर हमने एक ऑफसेट निकाला, ये हमने ऑफसेट निकाला कितना 90 डिग्री पर यानी जब खसके 90 डिग्री पर डाले जाते हैं आप ये कह सकते हैं कि चैन लाइन के लेफ्ट या राइट में स्थित। अब जो मैं बोल रहा हूँ वही डेफिनेशन आप इसके लिए लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस डेफिनेशन को, ये आपको लिखनी है कि चैन लाइन के लेफ्ट या राइट में स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जब हम लैटरल मेजरमेंट लेते हैं लेकिन लैटरल मेजरमेंट 90 डिग्री पर ली जाए तो वो ऑफसेट हमारे परपेंडिकुलर ऑफसेट डालते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाते हैं। दोबारा सुनेंगे कि चैन लाइन के लेफ्ट या राइट में स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु का जो लैटरल मेजरमेंट है यानी कि जो उसकी दूरी हम माप रहे हैं वो 90 डिग्री पर नापी जा रही है, चैन लाइन से 90 डिग्री पर नापी जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट यानी 90 डिग्री वाले ऑफसेट हम उसे कहते हैं। अब आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपके दिमाग में कोई आपसे ये कहता है कि ऑफसेट तो ऑफसेट का असली मतलब यानी कि रियल हम मीनिंग अगर हम अपने दिमाग में लाते हैं तो हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ऑफसेट की बात करता है, ठीक है ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि जब भी कोई हमसे ये कहे कि ऑफसेट डालिए तो ऑफसेट का मतलब हम दिमाग में, अब हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप ऑफसेट कौन सा ऑफसेट चाहते हैं ऑब्लिक ऑफसेट या परपेंडिकुलर ऑफसेट या लॉन्ग ऑफसेट या शॉर्ट ऑफसेट, आप दिमाग में एक चीज़ एक कॉमन जानकारी हमारे दिमाग में ये हिट करनी चाहिए कि ऑफसेट का मतलब है परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट ही हमारे जनरली डाले जाते हैं चैन सर्वे के अंतर्गत। तो मैंने आपको इसी परिभाषा बताई कि चैन लाइन के दाईं या बाईं ओर यानी चैन लाइन के लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में जितने भी हम लेटरल मेजरमेंट ले रहे हैं लेकिन वो लेटरल मेजरमेंट 90 डिग्री पर अगर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट के नाम से जानते हैं। ये आपको जो मैंने डेफिनेशन बोली है आपको लिखना है अपने इस डेफिनेशन में। अब बात करते हैं हम तिरछे खसके के बारे में, तो उसको डायग्राम की मदद से समझेंगे फिर दोबारा से। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कुआं है, यहाँ पर हमने कोई वेल हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है ये हमने कोई एक कुआं हमने यहाँ पर बनाया, ये हमारा कोई वेल है। अब इस कुएं का हमने क्या किया हम ऑफसेट डालना चाहते हैं तो हमने दो पॉइंट डिसाइड किए, एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल m और एक पॉइंट आप मान लीजिए स्मॉल n, ये हमारे पास दो कोई पॉइंट हैं। तो हमने क्या किया यहाँ से 90 डिग्री से कम पर
यानी 90 डिग्री से ज़्यादा या कम जो भी हो, यहाँ से हमने एक 90 डिग्री से एंगल, कोई भी हमने अल्फा एंगल लिया और ये मेजरमेंट लिया, और यहाँ से हमने एक और हमने 90 डिग्री से कम या ज़्यादा पर एक ये हमने मेजरमेंट लिया। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने जो एंगल लिए हैं वो 90 डिग्री से या तो ज़्यादा के हैं या 90 डिग्री से कम के हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि चैन लाइन के दाईं ओर या बाईं ओर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग, कुआं, नदी, नाला, रेलवे लाइन आदि की जो लैटरल मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि उनकी जो साइड में दूरी नापते हैं, वो किसी एक एंगल पे नापी जाए और वो एंगल हमारा 90 डिग्री ना होकर 90 डिग्री से ज़्यादा या कम होता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। ये बात समझ में आ गई। तिरछे का मतलब ये है कि 90 डिग्री पर छोड़कर किसी भी एंगल पर हो या 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे ऑब्लिक ऑफसेट। मैं डेफिनेशन एक बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, वो आप लिखेंगे तिरछे खसके में। आप क्या लिखेंगे कि जब भी किसी चैन लाइन के लेफ्ट या राइट ओर स्थित जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं जैसे बिल्डिंग, नदी, नाला, रेलवे लाइन आदि का लेटरल मेजरमेंट हम 90 डिग्री पर ना लेकर 90 डिग्री से ज़्यादा या कम एंगल पर लेते हैं तो वो मेजरमेंट, वो ऑफसेट हमारे, वो खसके हमारे कैसे कहलाते हैं, तिरछे खसके कहलाते हैं। यानी वो हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारे तिरछे खसके में काउंट होती है। अब ये बात हुई हमारी किसके बारे में, तिरछे खसके के बारे में हमने यहाँ पर समझा। ये डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बोली है दो बार, उसको आपको अच्छी तरीके से इसमें नोट डाउन कर लेना है। अब हम चलते हैं लंबाई के आधार पर ऑफसेट की। अब देखें लेंथ के आधार पर ऑफसेट की अगर हम बात करें तो अगर हमारे ऑफसेट की जो लंबाई है वो 15 मीटर से ज्यादा है, ध्यान समझेंगे जरा, यहां पर देखें मैंने यहां पर क्या किया, कोई एक हमारे पास आप जो ब्लैक बाउंड्री देख रहे हैं ये कोई एक फील्ड है जिसका हम चैन सर्वे कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये प्लान है, यानी ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं, यानी थोड़ा टॉप व्यू देख रहे हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा टॉप व्यू के बारे में। तो टॉप व्यू क्या होता है हमारा, जब किसी भी चीज को हम ऊपर से देखते हैं जो चीज हमें दिखाई देती है उसे हम टॉप व्यू कहते हैं। अब यहां पर हमें यह समझना है कि अगर हम ये हमारा क्या है, एक कोई फील्ड है जो ब्लैक बाउंड्री है, फील्ड जिसका हमें चैन सर्वे करना है। अब हमने इस फील्ड में चार स्टेशन सेलेक्ट किए, स्टेशन नंबर ए, बी, सी और डी। चार स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें हमने यहां पर चैन लाइन डाल दी, ए टू बी, बी टू सी, सी से डी और डी से ए तक हमने चैन लाइन हमने यहां पर डाल दी। चैन लाइन में ये वाला साइन हमें यहां पर बनाना है, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है। अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था जब हमने लेक्चर नंबर 11 हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या सीखा था, प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वे, यानी चैन सर्वे के सिद्धांत। तो चैन सर्वे के सिद्धांत हमें यह कहता था कि जब भी आप कोई चैन सर्वे का नक्शा बनाएंगे तो उसे त्रिभुजों में बांटकर आप उसको प्रयोग करेंगे, यानी कि हमें इस नक्शे को क्या करना है, त्रिभुजों में बांट के हमें करना है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे जो ट्रायंगल हैं वो कैसे होने चाहिए, वेल शेप्ड ट्रायंगल होने चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक इस नक्शे को त्रिभुजों में बांट दिया ऐसे। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुजों में बांटने के बाद सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक कुआं है, यहाँ पर कोई एक कुआं है और आप इसका मेजरमेंट यहाँ से लेना चाहते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट आप यहाँ से डालना चाहते हैं, ये हमने इस कुएं का ये ऑफसेट डालना चाहा, ये ठीक है। तो अब देखें इस ऑफसेट की लंबाई अगर हमारी 15 मीटर से ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग ऑफसेट, अगर इसकी 15 मीटर से कम है तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट ऑफसेट। यानी अब आप देखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लॉन्ग ऑफसेट बनाना चाहते हैं या शॉर्ट ऑफसेट बनाना चाहते हैं। अब वो कैसे, ये हमारे ऊपर ऐसे डिपेंड करता है कि आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक कोई भी पॉइंट लीजिए नया, उस पॉइंट का नाम आप दे दें एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप चैन लाइन दोबारा से आप इस तरीके से यहाँ से आप चैन लाइन आपने क्या की, यहाँ से आपने एक और चैन लाइन यहाँ से आपने बना दी। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी हमारा पूरा नक्शा है आप त्रिभुजों में बांट के कर सकते हैं यूज। तो अब त्रिभुजों में बांटने में हमारे जो ट्रायंगल वो कैसे बनने चाहिए, वेल शेप्ड। और वेल शेप्ड ट्रायंगल क्या होता है उसको जानने के लिए लेक्चर नंबर 11 आपको देखना जरूरी होगा। अब यहाँ पर हमने चैन लाइन डाल दी। अब यहाँ से आप ये देखिए कि जो डिस्टेंस है वो यहाँ से हमारी ये ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट, यानी ये हमारी चैन लाइन हो गई। अब इस चैन लाइन से हमने क्या किया, एक ऑफसेट निकाला, ये वाला ऑफसेट, तो इसकी लंबाई हमारी सपोज कीजिए 15 मीटर से कम है। तो जब हम यहाँ पर कहेंगे व्हेन लेंथ ऑफ ऑफसेट इज लेस देन 15 मीटर, यानी अगर हमारी ऑफसेट की लंबाई 15 मीटर से कम है तब उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट ऑफसेट के नाम से जाएंगे। जब हमारी खसके की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑफसेट
क्या है, ग्रेटर देन 15 मीटर है या इक्वल टू 15 मीटर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग ऑफसेट कहेंगे। यानी 15 मीटर के बराबर अगर है या 15 मीटर से ज़्यादा अगर हमारी ऑफसेट की डिस्टेंस आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग ऑफसेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये बात हमने जो जानकारी जुटाई ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाया कि हमारे ऑफसेट क्या होते हैं। ये जो चैन लाइन थी हमारी कोई फील्ड में, ये इसी लाइन को आप चैन लाइन मान सकते हैं। पॉइंट ए हमारा एक्स का आप समझ सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर इसमें से किसी एक चैन लाइन की बात की, वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट स्थापित किए और तब जाके हमने मेजरमेंट किया है। तो अब देखें यहाँ पर हम करते क्या, हम आखिर ऑफसेट लेते क्यों हैं, ऑफसेट लेते क्यों हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई चैन सर्वे कर रहे हैं और चैन सर्वे करते टाइम आपके लेफ्ट या राइट साइड में आप नक्शे को डिटेल्ड बनाना चाहते हैं, नक्शे को डिटेल मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने नक्शे में जानकारी देना चाहते हैं उस क्षेत्र की जिस पर आप फील्ड पर सर्वे कर रहे हैं, तब आप आपकी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, छोटे बड़े किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, चाहे हमारा नदी नाला कुआं हैंडपम्प या कोई बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी, तो अगर है वहाँ पर तो आप उस नक्शे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेटरल मेजरमेंट लेंगे, चैन से चैन लाइन से आपको साइड में आपको मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। तो अब वही मेजरमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, वही मेजरमेंट हमारे यानी कि साइड वाले जो लेटरल मेजरमेंट होते हैं, जो नक्शे को डिटेल्ड बनाते हैं, उसी के लिए हम क्या करते हैं चैन सर्वे, उसी के लिए हम क्या करते हैं ऑफसेट डालना चाहते हैं चैन सर्वे के अंतर्गत। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने समझा ऑफसेट और ऑफसेट के प्रकार के बारे में कि चैन सर्वे क्या होते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। ये सभी स्टूडेंटों से मेरा आग्रह है कि आप अपने अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो कि आपको ये लेक्चर में क्या अच्छा लगा, आपको लेक्चर में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो भी चीज़ आप हमें बता सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं आपको बहुत आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा पाऊँ और आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में भी आ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना कमेंट और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना। ठीक है, ओके बाय। स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है।